हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। चलो नमस्ते, मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी हो। म यहाँ अहिले एसिया टेलिकममा क्लास गर्दैछु। आज हाम्रो ग्राफिक सेक्सनको क्लास भएको थियो, हाम्रो देव सरले गराउनु भएको थियो इङ्ग्लिससम्म। त्यसकै यो ग्राफिक सेक्सनको यो एउटा डायग्राम हो, म यसैको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यो म भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा सुरु यो ग्राफिक्स आयो भने यो ब्याट्री कनेक्टरको यो कनेक्टर हो, डिस्प्ले कनेक्टर सर। यो डिस्प्ले कनेक्टरमा सबभन्दा सुरु यो पावर आइसीबाट 1.8 भोल्टेज आउँछ, अनि त्यसपछि प्लस 5 भोल्ट र माइनस 5 भोल्ट आउँछ ग्राफिक आइसीबाट। प्लस 5 भोल्ट र माइनस 5 भोल्ट आउँछ ग्राफिक आइसीबाट। यो ग्राफिक आइसी 15 भोल्टको हुन्छ। यो एक्टिभ हुनको लागि सबभन्दा यो सुरु भिपिएचको सप्लाई आउँछ 4 भोल्ट र भिपिएच लाइनमा र स्विचिङ लाइनमा आउँछ दुई C1 र D1मा। अनि त्यसपछि त्यसको सिपियुको लागि आउँछ तपाईँको यो 1.8 भोल्टेज आउँछ SDAबाट चाहिँ, अनि EN सिग्नलको आउँछ 1.8 भोल्ट B1 र B2मा। अनि यसमा चार ठाउँमा तपाईँको 1.8 भोल्टेज आउँछ। ठीक है, अब बताइए मेरे को कि आप क्या करने वाले हैं? आप ये मोबाइल की आईसी निकाल के वापस लगाने वाले हैं? कौन सा मोबाइल है आपके पास? सर ये Y1 लाइट वाला। अच्छा, ग्राफिक्स नहीं आता इसमें ग्राफिक आउँदैन ना? यसमा ग्राफिक आउँदैन। अब यसको प्रोसेसमा हामी त्यो आइसी निकालेर यसको प्याडहरू चाहिँ चेक गर्नेछौँ सर।
सात या 28 अक्टूबर की बैच है ना सर। कौन कौन लाइव है? क्या क्लास थी भाई हमारी आज? क्या क्लास थी हमारी? ग्राफिक्स की क्लास थी सर। इसके साथ थी आवाज नहीं आई देव सर के साथ? किस किस का ग्राफिक्स बना? सबका बना। कहाँ तक? कनेक्टर तक? नहीं सर। पावर तक? नहीं सर। पीएमआई तक? नहीं सर। पीएमएल तक? नहीं सर। 63P तक? नहीं सर। सीपीयू तक? यस सर। किस किस का सीपीयू तक बना? एंडलेस? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। डीएसओ की टेस्टिंग किस किस को आती है? कितना जरूरी है ग्राफिक्स में डीएसओ? अगर आपके पास डायग्राम नहीं होगा तो भी बना लोगे? कौन कौन बना लेगा? सब बना लोगे? ट्रिक है आपके पास? तरीका है आपके पास? चलिए ठीक है। तो मेरे साथ स्टूडेंट है जी, बताइए मेरे को सबसे पहले नाम बताइए अपना। विकास यादव, मैं झारखंड से। विकास, ग्राफिक्स का आज नॉलेज आपको कैसा मिला देव सर के साथ? बहुत अच्छा सर, एंडलेस फुल मिला। एंडलेस? यस सर। मैं बात करूं पीएमआई पीएमएल जी सर, 63P अलग से 15 बॉल जी सर, सबका ऐसे उखाल के बॉल नीचे का डेडलाइन प्रोसेस चेक किए सर। पैडलाइन सर जी सर। अगर कंपोनेंट अगर तुम्हारे पास कई अदर शॉप से रिटर्न अगर मोबाइल आता है तो उसके कंपोनेंट निकले होते हैं तो भी आप बिना डायग्राम की मदद से बना सकते हैं? सर बना सकते हैं सर। बना सकते हो आपको? अगर मैं बोलूं कि सीपीयू से मिसिंग है लाइन तो आप बना सकते हो? बना सकते हैं सर। आप उसके लिए तैयार बैठे हो? यस सर। सीपीयू से मिसिंग अगर केस आता तो उसको देखने के लिए आप तैयार बैठे हो? यस सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम सर्वेश कुमार, बिहार से हूँ सर। सर्वेश, आज डिस्प्ले आपका ग्राफिक डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन था आपके पास, आपने डिस्प्ले को कितने भागों में तोड़ा है? दो भागों में सर। तीन भागों में तोड़ा है? दो। तीन भागों में? तीन भागों में सर। पहला क्या है हमारा? ग्राफिक। दूसरा क्या है? लाइट। तीसरा क्या है? टच सर। MOLED। क्या है हमारा? MOLED। सैमसंग का MOLED। उसकी क्लास कब है हमारी? कल। उसकी क्लास है हमारी 22 तारीख को। कब है? 22 तारीख को। अभी 7 दिन हुए ना? जी सर। 22 में से 7 गए तो कितने बचे? 15। हेलो, 15 दिन है सर। कितने दिन है? 15 दिन। चाहते तो ये सारा डिस्प्ले एक ही दिन में देते, तो हमने दिया क्या? नहीं सर, नहीं दिया। नहीं तो आपको समझ में आएगा, नहीं देंगे। पन बाकी जो भी आज पढ़ाया, आज कैसा नॉलेज लगा? आज सर बहुत बेटर नॉलेज मिला सर, खास करके ग्राफिक्स लाइन में। हम लोग को पहले पता नहीं था, ग्राफिक्स ऐसे उखाड़ देते थे, उतना लाइन ट्रेस करने का नॉलेज नहीं था। ग्राफिक्स एक्सी कब उखाड़ना चाहिए, नहीं उखाड़ना चाहिए, आज सारा डीपली नॉलेज समझ में आया। 1.8 कहाँ से आता है और 5 माइनस कहाँ से आता है, प्लस 5 कहाँ से आता है, अगर यह तीनों लाइन सही है तो फिर इसके बाद हम कहाँ हम चेक करेंगे। सारे नॉलेज डीपली नॉलेज हमारे देव सर हम लोगों को बताया और हमारे साथ में एक्सप्लेन भी किए और बहुत अच्छा से हमको लगा सर जी कि अब कहीं भी से भी आएगा तो सर उसको बना सकते हैं सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर। हमारी आज ग्राफिक की क्लास थी और आज फिर से नया झटका मिला हमें। अच्छा, हर रोज नया झटका मिलता है और आज हम सबको इतनी मज़ा आया क्लास में और हमने आज पूरा देखा कि लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, CPU में आ रही है या CPU से आ रही है, PM से आ रही है और कितनी वोल्ट चाहिए, कितने हमें अपना वोल्टेज चाहिए उसको ऑन करने के लिए। मैं बात करूँ DSO की। Yes, तो DSO खाली यहाँ देखने के लिए रखा है कि काम करते नहीं, उसका काफी यूज है। DSO निकाल के ला उधर से, केबल निकाल के ला। तो DSO का इस्तेमाल करते हो नहीं करते? पहले नहीं किया था, यहीं पे हम सब स्टूडेंट ने किया यहाँ पे। आज आपने सेक्शन में DSO का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो? करते हैं सर। करते हो जी सर। अच्छा ये बताओ मेरे को, DSO का इस्तेमाल किस किस ने किया? सबने किया? तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पूरी नॉलेज में आ गया। हाथ मिलो। तो इसका इस्तेमाल आपने किया? यस सर। आपको पता है कि किस वेव में फ्रीक्वेंसी आती है? जी सर। ग्राफिक्स कहाँ बनेगा, किस जगह पे आपको लगाना है, किन किन जगहों पे वोल्टेज आएगा, किन किन जगहों पे फ्रीक्वेंसी आएगी? जी सर। तो मेरे भाई तुम सही जगह है कि गलत जगह है? सर बिल्कुल असली जगह पे आया हूँ। असली जगह? असली जगह पे सही भी नहीं बोल सकते, असली जगह बोल सकता हूँ। ऐसे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आओ, सारी नॉलेज मिलेगी आपको और आपको कोई वो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए ठीक है। अगर कोई अगर तुम्हारे जम्मू कश्मीर से कोई अगर आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? सर दो तीन स्टूडेंट आए भी हैं, मैं भी आया हूँ, मैं भी इतनी दूर से आया हूँ और मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो आपके पास में तो बड़ी सिटी थी, महानगरी थी,
आप बार बार बोल रहे थे कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा, पर हमारे यहाँ से जाने का मन ही नहीं था। जो इतना समझ आ गया, इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हो, तो किसी का भी मन था यहाँ पे कहीं? किसी का मन नहीं था। और एक आपने एक बात बोली थी, क्या सर मैं पीजी में रह सकता हूँ, पर्सनल रूम लेके? मैंने आपसे टाइम बोली थी, आप बोली थी, तो मैंने क्या बोला था आपको? आपने यही बोला था कि तू 3 दिन यहाँ पे रहके देख, उसके बाद तू खुद कहेगा, तू इनके यहीं पे रहेगा इनके साथ हॉस्टल में। ठीक है, चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर, मैं विराट और औरंगाबाद बिहार से हूँ। हाँ जी सर, आज हमारा क्लास था ग्राफिक सेक्शन का जी, जो कि बहुत ही मजेदार सेक्शन था, मतलब कि अभी तक का क्लास में सबसे मजेदार बोल सकते हैं इसे जी। मतलब कि रीजन क्या है कि आपने समय बिता रहे हो, आपको लाइनों की समझ आ रही है, आपको आईसीयू की समझ आ रही है, सारे चीज के बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है कि कौन सी कंपनी कहाँ लगे, किसकी कहाँ जरूरत है। और यहाँ तक कि हमें क्या है कि बिस से नहीं सिखाया गया कभी भी, हमें स्टार्ट से लेकर के इंक तक, यानी कि कनेक्टर से लेकर के आईसी तक, जहाँ पे उसका क्लोज होता है वहाँ तक, और यहाँ तक कि डीएसओ का भी यूज बताया कि डीएसओ इसमें कितने बड़े महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा डीएसओ मशीन है जी, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में जी। अगर ये है आपके पास ना, और स्कीमेटिक भी अगर आपके पास नहीं, तो आप इसके यूज से आप उस ट्रैक को फाइंड कर सकते हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपके पास सारा टूल है, ऐसा मॉडल आ गया, सपोज सैमसंग का कोई सा लेटेस्ट मॉडल या एमआई का कोई सा लेटेस्ट मॉडल आ गया, या वन प्लस का कोई लेटेस्ट मॉडल आ गया, हम तो सीपीयू वाइज पढ़ते हैं, हमको मॉडल वाइज नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल दे रहा था मैं, है ना, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट मॉडल आया था और उसका डायग्राम नहीं है, नहीं है डायग्राम नहीं है, तो ग्राफिक्स की लाइनें कैसे बनाओगे आप? आपका आपका जो जो प्राइमरी वोल्टेज है, वो प्राइमरी वोल्टेज भी आपका सही आ रहा है, उसके बाद आप ग्राफिक्स कैसे बनाओगे? क्वेश्चन है ये तुमसे। सर ये ऐसा है कि हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो हम सबसे पहले कर सकते हैं उसका अपन वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, आपको बताना नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बताना नहीं है, आपको ये बताओ कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर एकदम खाली तुम कर सकते हो क्या? नहीं सर, पूरी क्लास कर सकती है, पूरी क्लास कर सकती है। इतना जोश कैसे सर? जादू है सर यहाँ। इतना जोश कैसे सर? और रात के 11:15 बजे? यस सर, ये रात के 11:15 बजे इतना जोश कैसे सर? जादू है सर यहाँ पे देव सर के क्लास में, और एशिया टेलीकॉम में सर, खास करके यहाँ के नाम में सर, हर एक लेटर में सर जादू है। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम राजू मौर्य है, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ, और आज मेरा यहाँ 7वां दिन है जी। और आज हमारा जो सेक्शन था वो ग्राफिक का सेक्शन था, जैसे कहते हैं कि अंधे को लाइट देना, अंधा आदमी हो तो उसमें प्रजरे की मतलब रोशनी आ रही कि नहीं आ रही है, काला है कि गोरा है, तो काले को गोरा करने के बराबर आज मेरा काम था, जो कि स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक, अच्छा, एक एक सेक्शन के बारे में, एक एक कंपोनेंट रजिस्टर के बारे में, कौन सी सप्लाई कहाँ जाती है, कैसे आती है, क्या होता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। अब हम लोगों के लिए रोज दाल चावल होता था, लेकिन आज हलवा हो गया है। हलवा हो गया, हलवा हो गया सर, पक्की बात, हलवा हो गया सर, हलवा तुम्हारे लिए कि सबके लिए? सबके लिए हलवा हो गया, सबके लिए। किसी भी यहाँ जितने भी हमारे बैच के बंदे हैं, सबके लिए हलवा हो गया, वो बिना फिर कुछ मुंह में डाले खा जाए, ऐसा होता ग्राफिक सेक्शन अब हो गया है, जबकि इससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी कि सेक्शन बनेगा तो कैसे बनेगा, और इसमें डीएसओ का यूज होता है कि नहीं होता, कोई जानकारी नहीं। डीएसओ का उपयोग करा आपने? जी सर। आपको मालूम है कहाँ कहाँ करना है? जी सर। अगर आपका सीपीयू से फॉल्ट आता तो बना सकते कि नहीं बना सकते? कहीं से भी आ जाए सर, कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए। चलिए ठीक है, बना देंगे सर। अरे ये उसका वाईफाई दो यार, इसमें नेटवर्क चला गया क्या? ले जा सर।
क्या बात, तुमको शिकार के टाइम आगा रह जाती है राजा महाराजा के कारण नेटवर्क नहीं होने के कारण थोड़ा सा हमारा लाइव अभी डिस्टर्ब हो गया था, हम वापस आ गए लाइव में। तो ये बताइए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है ब्रजेश। ब्रजेश मैं बिहार से हूँ। ब्रजेश आप बिहार से हैं। ब्रजेश कैसी रही आपके ग्राफिक्स की क्लास? बहुत बढ़िया सर। किसके साथ थी क्लास, थोड़ा सा चर्चा कीजिए आप। देव सर के साथ हमारा क्लास था जी। और ग्राफिक आईसी में किस किस जगह से फॉल्ट आ सकती है जी, टू जेड सारे फॉल्ट को क्लियर बाय स्टेप क्लियर किया। अगर ब्रजेश मैं बोलूं तुमके पास कि कल तुम्हारे पास 5 ग्राफिक्स के मोबाइल आ जाएं, ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, कोई सा भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए, वापस जाएगा तो तुम्हारी टेबल से? क्या नहीं सर, वापस नहीं। गारंटी से बोल रहे हो? गारंटी से नहीं। गारंटी से? गारंटी। नॉलेज है आपके पास? जी सर। आप वो फॉल्ट आपका पीएमआई से हो, पावर से हो, कनेक्टर से हो, डिस्प्ले से हो, डिस्प्ले की लाइन से हो, डिस्प्ले तक पहुंचने से हो, या सीपीयू से हो, या सीपीयू के और आपके डिस्प्ले कनेक्टर के बीच की गैप से हो, या कंपोनेंट से हो, आप बना सकते कि नहीं बना सकते? जी सर 100% बना सकते। बना सकते हो आप? जी सर। वो 15 बाल का हो, पीएमआई का हो, पीएमएल का हो, 63P का हो? जी सर। क्योंकि आज मैं इसलिए नाम ये ले रहा हूँ कि हमने आज आईपीएस डिस्प्ले पढ़ा, एमओएलईडी डिस्प्ले नहीं पढ़ा। जी सर। ठीक है, तो आईपीएस डिस्प्ले का आज पूरा नॉलेज है आपको? जी सर। पेड भर के 100% जी। श्योर? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं अरविंद सर, वेस्ट बंगाल से। अरविंद बताइए मेरे को, क्या क्लास आपकी, कैसी लगी क्लास आपकी और किनके साथ थी क्लास आपकी? आज हमारी क्लास सर आदरणीय देव सर जी के साथ थी जी, जो उन्होंने ग्राफिक सेक्शन के बारे में फुल्ली डिटेल के साथ बताया। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हर दिन ही उनके साथ एक मतलब एडवेंचरिंग का ही क्लास होता है। अच्छा। मतलब मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं मेरे पास जो जो नॉलेज थी वो नथिंग कुछ भी नहीं था सर। ऐसा कब लगा, कौन से दिन लग गया आपको? मेरे को ऐसा यहाँ दो तीन दिन जब सर का क्लास ज्वाइन किया, पहले दिन की क्लास में झटका लगा था। पहले दिन का सर क्या बोलूँ सर, एक छोटे चीज को इतना एक्सप्लेन करके, मतलब मेरे को तो नहीं लगता अभी तक किसी किताब में भी इतना एक्सप्लेनेशन या फिर कोई नेट में भी मिला होगा। तो आप एक ऐसे टीचर से पढ़ने हैं जिनकी 3 पुस्तकें लिखी हुई है। कितनी पुस्तकें? मैं सर खुद को लकी मानता हूँ कि मैं ऐसे सर के पास सीखने का मौका मुझे मिला, और मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं हाँ आई कैन डू दिस एनीथिंग। तो आज ग्राफिक सेक्शंस के बारे में क्या बोलेंगे आप? ग्राफिक सेक्शन के बारे में मैं तो बोलूँगा सर, अभी मतलब ना इतना बड़ा सा चीज एकदम माइनर लग रहा है। बात करूँ मैं जीआर की, मैं बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, बात करूँ प्रोटोकॉल की, किसी चीज के बारे में बात कर लें तो अपना तो सर एक ही चीज मेरे लिए बहुत छोटा बन गया। बहुत छोटा बन गया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, चंदन सोनी सर। मैं छत्तीसगढ़ से। हाँ चंदन बताइए। आज ग्राफिक का मतलब क्लास था देव सर के साथ जी, जो कि ग्राफिक हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ। इस मैटर पे जैसे हम लोग तो शॉप चलाते हैं। हाँ। सेट आने पर भी हम नहीं छुपाते थे उसको बराबर, और अभी इतना डिटेल से जानकारी मिल चुका है। हाँ। कि हम एक पेट लाइन तक भी ग्राफिक का चेक कर सकते हैं, कहाँ से लाइन आ रही है, कहाँ जा रही है, पूरा फुल डिटेलिंग में सर। एक्सीलेंट। आप सवेरे आपकी 12 बजे क्लास थी, शाम को 6 बजे तक चली, 6 बजे के बाद अभी 11 बजे रही, 11 बजे तक आपने प्रैक्टिकल करा। जी सर। इस बीच में ऐसा क्या जादू हो गया 12 बजे से लेके तो 11 बजे रात तक में, मतलब 12 घंटे में ऐसा क्या जादू हो गया कि आपको सब आ गया सर? और आप भी बात करें तो सब स्टूडेंट हाथ खड़े कर रहे हैं। यस सर। सब स्टूडेंट हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया सर? देखिए यहाँ प्रैक्टिकल, ये देखो ये चीजें क्या है कि लगता है मैजिक लगता है, ये आप रिव्यू देख रहे हो ना, ये मैजिक लगता है। वो बोले खिला पिला के देव सर ने बिठा दिया यहाँ। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर। है? एक आदमी को खिला पिला, बाकी लोग सभी लोग तो सीख रहे हैं सर। सब लोग सीख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ की आपने DSO का इस्तेमाल करा? जी सर। आपने मल्टीमीटर का इस्तेमाल करा? जी सर। आपने GR उठाया? जी। आपने CPU तक गए? जी। CPU तक टेस्ट किया आपने? जी सर। कौन सी लाइन आती, क्या आती, कितने वोल्टेज आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, सारी चीज की जानकारी? सारी फुल जानकारी सर। अगर मैं बोलूं कि अभी छत्तीसगढ़ में तुम्हारे पास में 5 हैंडसेट अगर मैं रख दूं अगर ग्राफिक्स के, तो बनाने में सक्षम होगी? 100% जी सर। श्योर? श्योर। फुल कॉन्फिडेंस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अरमान है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी सर। आज मेरी क्लास थी देव सर के साथ। हाँ। जो ग्राफिक सेक्शन की थी। ठीक है। सर ने पहले ही बोला था सिर्फ हमें 2 घंटा देते तो मैं बोर्ड को देखने का नज़रिया बदल देंगे ग्राफिक सेक्शन का। अच्छा। और हकीकत में सर 2 घंटे बाद मतलब उसको किस तरह से देखा जाए पूरा नज़रिया ही बदल गया सर। मैं बोलता हूँ कि
डिस्प्ले कनेक्टर पे अगर एक कोई कंपोनेंट लगा है आपकी ग्राफिक्स आईसी में जो कंपोनेंट लगा है और सीपीयू के पास जो कंपोनेंट लगा है तो पूरा रटा गया कि नहीं रटा गया? सर पूरा का पूरा एक एक पैडलाइन रटा गया है सर। एक एक पैडलाइन तो छोड़ दीजिए, उसकी पूरी पैडलाइन रटा गया इस तरह से। मतलब शुरुआत कहाँ से करना है ग्राफिक्स का और एंड कहाँ करना है, ये आ गया कि नहीं आ गया पूरा सर? पूरा और एंड का भी एंड आया कि नहीं आया? एंड का भी एंड सर यहाँ तक सीपीयू तक के अंदर तक की पैडलाइन तक बता दिया, अब इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। आपसे कुछ होता ही नहीं जी सर? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम सलीम है, मुजफ्फरनगर यूपी से सर। जी सलीम, बताइए आज की ग्राफिक्स की क्लास देव सर के साथ थी और कैसी रही आपकी क्लास? एक नंबर, ए वन नंबर सर। क्या नॉलेज मिल रहा है आपको? मतलब क्या कोई बेसिक नॉलेज दे दिया आपको कि प्रो लेवल का नॉलेज? बेसिक नॉलेज तो सर हमारे पास थी अभी तक, अभी तो डीप नॉलेज मिल रही है सर हमको। डीप नॉलेज मिल रही है जी सर? डीप नॉलेज मिल रही है आपको विदाउट स्कीमेटिक? क्या आप ग्राफिक्स बना सकते हो? हाँ बना सकते। विद स्कीमेटिक क्या आप बना सकते हो? जी सर। विदाउट डीएसओ के बना सकते हो आप? हाँ बना सकते सर। और विद डीएसओ के बना सकते हो आप? ये भी जरूरी है सर, इसका भी नॉलेज बहुत अच्छी दिया सर ने, है ना जी सर? तो आज आप मतलब आपने हर जगह जहाँ कहाँ का डीएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं किया आपने? जी सर। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि नहीं? पूर्ण रूप से सर। अगर ये बोल दूं मैं कि आप कोई सा भी आपके साथ में अगर ग्राफिक्स का मैं अगर पीसी भी दे दूं या कोई सी भी आईसी पे काम करने का बोल दूं तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? फुल कॉन्फिडेंस है सर। फुल कॉन्फिडेंस जी सर। वोल्टेज जीआर फ्रीक्वेंसी तीनों का? सब कुछ सर। तीनों का जी सर। शुरुआत कहाँ से करनी है एंड कहाँ पे करना है? डिस्प्ले कनेक्टर से लेकर सीपीयू तक जो भी कुछ कंपोनेंट होते हैं आईसी होते हैं सबके कर देंगे सर। सबके जी सर। कब डिस्प्ले पे काम करना है, कब आईसी पे काम करना है, कब वो सब बताया सर? सब पता है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम नौशाद है, मैं यूपी से हूँ सर। नौशाद, ये बताओ मेरे को कैसी रही क्लास आज आपकी? सर अच्छी क्लास रही देव सर के साथ, ग्राफिक सेक्शन क्लास थी जी, अच्छे से समझाया पूरा। मतलब क्या बाकी सब इधर आ जाओ, क्या वोल्टेज आना चाहिए, क्या जीआर आना चाहिए, किस किस सेक्शन में आना चाहिए, कौन सी लाइन चेक करनी है, आपको सारी जानकारी दी एकदम। उस बाद प्रैक्टिकल में आए, वही चीज़ एकदम अप्लाई की है, एकदम सेम सब कुछ ओके हो गया। F5A का बनाए भी हम ग्राफिक्स, उसको बना लिए सर, हो गया। तो कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। मतलब 11 आपको 12 घंटे की क्लास में इतना नॉलेज और इतनी बार में, तो ये लोग मिरेकल लगता है, लोगों को विश्वास नहीं करते। थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए क्या बोलना चाहोगे आप जनता को? विश्वास करें बिल्कुल, आ जाए जबलपुर MP SEA टेलीकॉम ज्वाइन करें अगर। तो कोई रिस्क है आने में? क्योंकि पुलिस की गारंटी भी मिल रही ना आपको? क्या मिल रही है जरा बोलो, व्यूअर को बोलो क्या क्या मिल रही है? बड़ा शहर है जबलपुर, ऐसा नहीं है मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ घूमा टहला हूँ। रहने खाने का कोई टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया हॉस्टल है बड़ा सा। और आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे प्रोटेक्शन है कि नहीं आपको? बिल्कुल प्रोटेक्शन है सर। कोई ऐसा है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जाते अभी जाएंगे तो हम जान रहे शटर डाउन हो जाएगी बिल्कुल, अब सुबह ही खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आ जा नहीं सकता, आप एकदम प्रोटेक्शन साथ रह सकते हो वहाँ पे। तो अगर सेपरेट रूम लेके रहना अच्छा है कि ग्रुप में रहना? नहीं, ग्रुप में अच्छा। उसके क्या फायदे थोड़ा जनता को बताओ यहाँ पर? उसके बहुत फायदे हैं, मतलब जितना हम लोग पढ़े रहते हैं बिल्कुल शेयर करते हैं साथ में बैठ के, रफ फेयर सब होता है वहाँ पे। कितनी यहाँ से जाने के बाद कितनी बजे रात तक पढ़ते हो आप? मान के चलिए अभी हम जाएंगे तो 12 हो जाएगा, खाना तक 12 हो जाएगा, 12:30 ही तो बजे, एक तो बज ही जाएंगे सर। एक बजे यहाँ से जाने के बाद पढ़ते भी हो? हाँ सर पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अमित है जी। आज की क्लास में आई थी देव सर के साथ ग्राफिक की क्लास। हाँ, क्योंकि देव सर ने इतना इजिली बना दिया कि एक बड़े से बड़े से बड़े, मतलब हमारे लिए तो पहले वो जब भी आता था ग्राफिक्स फॉर्म, हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम आता था कि बनना बहुत मुश्किल रहता था हमारे। ठीक है, उस प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया कि हम उसको मुश्किल से हार्डली 15-20 मिनट कोई मोबाइल का बना सकते हैं। IPS डिस्प्ले में कोई सी भी आईसी 15 बॉल की हो, PMI हो, PML हो, 63P हो या 15 बॉल की डेडिकेटेड आईसी हो, तो कोई 15 बॉल की आईसी निकाल के फेंक दी, पेट खराब कर दिया तो बना सकते हैं? बना लेंगे सर। पेट पूरे रटे कि नहीं रटे? पूरे रटा गए हैं सर, पेट लाइन मुंह में आ गए हैं पूरे, जब चाहे तब बना सकते हो उसको। आईसी उठाने के बाद क्या क्या आपको जीआर मिलेगा, कितने वोल्टेज मिलेंगे, पूरा A to Z मुंह बोली पूरा याद हो गया सर हमको। ऐसा किसी इंस्टीट्यूट को देखा है इतना पागलपन पढ़ाते हुए? नहीं सर बिल्कुल। ऐसा पागलपन देखा है किसी इंस्टीट्यूट को पढ़ाते हुए? मैं तो 3-4 साल से खोज रहा था ऐसा इंस्टीट्यूट, मुश्किल से मिला एशिया टेलीकॉम। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम चाहत है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। आज सर ने हमको बताया कि चार, सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि इसके पहले ग्राफिक सेक्शन में कभी जीवन में काम करा है आपने? नहीं सर। ईमानदारी से बताओ, इस इंडस्ट्री में क्या हो तुम? जीरो। जीरो? यस सर। आज क्या पोजीशन है आपकी ये बताओ,
कितने दिन हुए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने? 7 दिन हुए। 7 दिन हुए। 7 दिन में पहली जो क्लास थी आपकी काउंसलिंग क्लास थी, उस क्लास में कोई पढ़ाई हुई थी क्या? नहीं। आपकी क्लास थी 28 तारीख से, आज तारीख हो रही है 3। 3। ईमानदारी से हुए आपको 6 दिन। 27 तारीख से आप क्लास में आए थे, क्लास में आपका इंट्रो हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। 28 तारीख से आपकी क्लास पहली स्टार्ट हुई है, आज आपको 3 तारीख हो रही है, 3 तारीख हुई है ना, तो 3 तारीख में 6 दिन की आपकी क्लास हुई है। तो 6 दिन की क्लास का मेरे को क्या आउटपुट है ये बताओ, अभी कितने कैसे इंसान बन गए आप? सर मैं पहले ना एक मदरबोर्ड देख के ना बता नहीं पता था तुम्हें क्या चीज क्या है। थोड़ा दो मदरबोर्ड हाथ में दो, एक बोर्ड दो इनके हाथ। पहले मैं ये नहीं मतलब पता था ये क्या है और ये सब क्या है। अब मैं एक एक चीज को देख के बता सकता हूँ किस क्या चीज क्या है, कहीं भी कोई सा भी बोर्ड रहे, किसी भी कंपनी का बोर्ड रहे। अगर मैं आपके हाथ में पीसीबी है, थोड़ा सामने हाईलाइट करो, मैं अगर आपसे बोलूं कि इस पीसीबी में एक भी आईसी रहने ना दो, इसको निकाल के वापस लगा के मोबाइल चालू करो, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इस मोबाइल के सारे कंपोनेंट आपसे ये बोल दूं कि वो सारे कंपोनेंट की रीडिंग बताओ और इसका काम बताओ, तो बता सकते कि नहीं? बता सकते सर, बिल्कुल। मैं आपको बोल दूं कि कोई से भी आईसी उठाओ और इस आईसी का डायग्राम बना दो, तो डायग्राम बना सकते कि नहीं बना सकते? बिना स्कीमेटिक देखे बिना बना दूंगा सर। बना दोगे? यस सर। कॉन्फिडेंस खुद पे? यस सर, खुद पे है सर। और देवरतन सर पे सर, ऐसा समझाते ना गधे को भी समझ में आता है क्या बना रहे हैं। गधे को भी समझ में आता है। यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर। तो राहुल सर, मैं राहुल हूँ, यूपी गाजियाबाद से। जी। और सर सबका मतलब हर कोई जो भी देखता, और हम भी यही देखते थे कि आखिर ऐसा है क्या वहाँ पे कि मतलब बच्चा जाता है, हर किसी के अच्छे रिव्यू क्यों आते हैं? तो सर इसका कारण यही है कि एक तो क्लास बहुत अच्छी होती है सबसे पहली बात, क्योंकि थ्योरी भी 6 घंटे की होती है और प्रैक्टिकल भी 6 से 7 घंटे का होता है। और सर यहाँ पे आने का कारण मेरा भी यही था कि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और सर वो मुझे मिल रहा है। और सर देव सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मतलब अब हमें 7 दिन हो गए पढ़ते हुए, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बच्चा है, अब किसी का दिमाग तेज चलता है, किसी का कम चलता है, लेकिन सर मुझे ये लगता है कि वो सर पढ़ाते इस तरीके से कि कोई भी बच्चा अगर 0 भी बिल्कुल आईक्यू लेवल उसका 0 है ना, तो सर उसके दिमाग में बिठा देते हैं बिल्कुल। देखो तुम्हारी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं, सबका आईक्यू लेवल अलग 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 है, पर यहाँ पे इक्वल होता है कि नहीं होता? इक्वल होता है कि नहीं आईक्यू लेवल? सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मतलब बच्चे के दिमाग में बिठा कर ही रहते हैं वो, और 6 घंटे सर कंटिन्यू होती है उनकी क्लास, चलती ही चलती है। राहुल तुम्हारा वीडियो एक ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो एशिया टेलीकॉम आने का मन बना रहा है। जी सर। मैं तुमको बोल नहीं रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बताओ। जी सर। ऐसी 3 खासियत बताओ एशिया टेलीकॉम की कि उसको यहाँ पे आने में पहली बात तो वो डरता है। जी सर। डरता है कि भाई मैं जाऊँगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी फीस है, मेरी कहीं वेस्ट नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो। सर सबसे पहली बात देखो, आप भी आगे आइए, अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो, क्या क्या छोटी देना चाहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ सर, सर जिसको इस फील्ड में जाना है सबसे पहली बात, मैं भी दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, यूपी और दिल्ली समझ लो मैं बिल्कुल टच में हूँ, करोल बाग पास में ही है हमारा, ठीक है। तो सर सबसे पहली बात, अगर उस बंदे को इस फील्ड में जाना है तो वो उसको ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, बराबर आना पड़ेगा, ठीक है, और बिना आए तो कुछ हासिल होगा नहीं। चलो ठीक है, वो इंसान आ गया यहाँ पे। जी सर। और उन्होंने पहले दिन फीस डाल दी है। जी सर। उसके बाद क्या? रिस्क सर उसका रिस्क भी खत्म है, प्लस दूसरी बात उसको 4 दिन का टाइम भी दिया जाता है। क्या कैसा टाइम? 4 दिन में कितनी, जैसे 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, या 30 का महीना हुआ तो 1 तारीख, 1 तारीख, 4 दिन में क्या उसको मतलब खाली यहाँ बिठाते कि क्या नॉलेज, कितने घंटे की क्लास होती है, क्या नॉलेज मिलता है? सर पूरी होती है सुबह समझ लो 7 बजे से और आपके रात के 11 बजने ही बजने हैं, बजने ही बजने बजने हैं सर। सर खाना भी समझ लो भागते भागते ही खाते हैं, भागते भागते खाते हैं। कितनी देर का टाइम मिलता है सर? मुश्किल से 20 मिनट। और सर बल्कि लंच के लिए भी दोपहर शाम के टाइम भी चाय के लिए भी समझ लो टाइम मांगना पड़ता है सर से, बराबर है, तब जाके चाय पी जाती है बस। तो इस लेवल की मेहनत कौन पागल इंस्टीट्यूट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता सर, टेलीकॉम के सिवा कोई नहीं कर सकता सर। नाम इसी वजह से ही हो रहा है सर, क्योंकि मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है, यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। मतलब इतने तो पक्की गारंटी है कि यहाँ से बच्चा जाने के बाद कितना भी 0 लेवल हो बंदा, लेकिन वो सर कभी भी लाइफ उसकी खराब नहीं होने की, लाइफ उसकी बननी ही बननी है। बड़ी बात बोल रहा है, बड़ी नहीं है सर, ये है वास्तविकता है सर, ये सर हम खुद पहले सर मैं सही बोल रहा हूं, कहते सर टूल्स इतने होते हैं हमारी लाइन में, टूल्स की नॉलेज नहीं होती किसी को भी, अगर टूल्स बंदर लेके आ भी जाए तो उसे चलाने नहीं आएंगे सबसे पहली बात, ठीक है, ये तो एक हो गया टूल्स की बात, और फिर उसके ऊपर से उसे नॉलेज चाहिए, जो सर बिना नॉलेज के उन टूल्स को यूज नहीं कर सकता, ना ही वो फोन बना सकता। अच्छा वो
थोड़ा स्टूडेंट को आप अपनी तरफ से ये थोड़ा अपने मुंह से ये बोलोगे क्या शॉर्टी है टेलीकॉम में, वो चार दिन फीस डाल लेगा तो उसके बाद अगर पांचवें दिन में उससे बोलूंगा तो क्या फीस रिटर्न करने की बताएगी क्या? नहीं, आप सबके आप सबको मैंने पूछा था जी सर, भैया तुम्हारी फीस रिटर्न ले जाओ, ये समझ में आ रहा है तो पूछा था सर, जबरदस्ती करी थी क्या कोई? नहीं सर, वो बंदा कोई भी हो सर आएगा ना जिसे इस फील्ड में जाना है, जिसे नहीं जाना वो तो सिर्फ सुनेगा और निकल जाएगा, जिसे इस फील्ड में आना है जो दिल से आना चाहता है और सीखना चाहता है तो वो आएगा और जरूर सीख के जाएगा यहाँ से। पैसा रिटर्न का बात छोड़ो सर, वो डबल दे के जगह में रुक के वो बोलेगा 55 नहीं हम और उसे सर दूसरे दिन में ही पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ बदल गई है हकीकत में, और 30 दिन तो बहुत होते हैं सर, 30 दिन में तो यहाँ से योद्धा बन के निकलेगा। सर हमें ज्ञान के साथ साथ ना डिसिप्लिन भी सर दे रहे हैं सर, डिसिप्लिन जरूरी है सर, डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी सीख नहीं सकता बंदा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो बताइए थोड़ा सा मेरे को सर, आज की क्लास ग्राफिक्स की वो भी देव सर के साथ। सर आज देव सर से ग्राफिक की क्लास मिला हमको, जैसे मोबाइल में कौन सा ट्रैक कौन सा जाता है, कितना वोल्ट आता है ग्राफिक में, पहले तो सर हम ग्राफिक के बारे में टोटल जानते ही नहीं थे, ग्राफिक नहीं आया तो चेक करो पहले डिस्प्ले लगाओ, अगर नहीं होगा तो भेज दो, तो अभी सर एक एक पेड़ का जानकारी मिला हमको, कहाँ से कितना वोल्ट आ रहा है कैसे आ रहा है, और दूसरी बात सर DSO मशीन उसको सिर्फ हम यूट्यूब क्रोम में देखते थे, तो अभी क्या है किसका इसका यूज क्या है हमको आज पता चला सर, DSO मशीन कितना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर डिस्प्ले सेशन के लिए, और आगे भी बताया जाएगा कि इसके नेटवर्क सेशन में क्या क्या काम है बताया जाएगा बोल के सर बताएं हमको, तो सर डिस्प्ले सेशन में DSO मशीन का भी बहुत जरूरी है सर, और उसका नॉलेज के लिए ऐसे टेलीकॉम आना जरूरी है। पहले सर हम वीडियो में देखते थे, जैसे हम भी ऐसे इंटरव्यू देखते थे बच्चों के, तो सर हमें लगता था कि ये आखिर है क्या ऐसी मशीन, उसमें इतने सारे बटन है कैसे चलाएंगे, बटन को देख के पागल हो जाते थे सर, क्या है क्या मशीन वगैरह थी, लेकिन सर इसको इतना इजी कर दिया ना, क्या है क्या नहीं मतलब हलवा हो गया सर ये, और इस फिल्म जैसे डिस्प्ले सेशन में कुछ आएगा तो एक बात बोलूंगा सर, झुकेगा नहीं कभी, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गया। जाता हूँ, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।